जीतने के लिए। सो लेट्स सी, चलिए अच्छा मिका शुरुआत कांग्रेचुलेशंस, करते हैं रेशमा जी। गॉटिट कर दूं? जी हाँ, रिकॉर्डेड कर दीजिए, गॉटिट कर दीजिए, हाँ जी, और स्टार्ट। बताइए। या स्टार्ट। जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। इस वक्त में मिका वोटिंग नंबर, हेलो रेशमा जी, हेलो, रेशमा हाँ ब्लानी जी, मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना में। हाय हाय, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया, चंगी चंगी वो तो लग ही रहे हैं, आपके प्रोमोस देखे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं वो। हाँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो रेशमा जी, सबसे पहले तो ये अचानक से ख्याल कैसे आ गया ये मैं जानना चाहता हूँ। आखिरकार इसकी पूरी स्टोरी क्या है बिहाइंड द कैमरा, हम कैसे देखते हैं क्या है, बताइए ना। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है मे बी शायद। जी हाँ जी, आपका थोड़ा बहुत कम नेटवर्क आ रहा है। जी कम नेटवर्क आ रहा बताइए है क्या? ना। हाँ जी, मेरी जी स्टोरी अभी ये ठीक। है, मेरी स्टोरी ये है कि मुझे, मैं जब एक बार कॉल आया था मुझे कास्टिंग वाले का, तो बंदे ने कहा कि ये शो है मिका दी वोटी, तो आप इंटरेस्टेड हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करना है, मुझे तो करना ही था। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा ऑब्वियसली शादी करना चाहती हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ। फिर मुझे सबसे ज्यादा प्रमोट मेरा एक फ्रेंड है महेश पुजारी, जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा उसी ने कहा कि आपको ये शो जरूर करना चाहिए और आपको मिका दी वोटी भी बनना ही चाहिए, क्योंकि आप वैसे हो, क्यूट हो, बबली हो, तो आपको ये शो करना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़कियां ही चाहिए होती हैं, मतलब शादी के लिए तुम जैसी, मतलब कि तुम क्यूट स्वीट हो, तो इसलिए ये शो तुम्हें यू हियर मी ना। जी और वैसे भी हाँ ना उस शो या के लिए ना आई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मैं शो करने के लिए शुरू से बहुत एक्साइटेड थी, और मुझे मिका जी बहुत पसंद है, मतलब फ्रॉम, मतलब मैं जब छोटी सी थी तब से मुझे पसंद थे। एक्चुअली फर्स्ट टाइम वो इंदौर आए हुए थे, मतलब काफी टाइम पहले, मतलब तब मैं उनके पीछे थोड़ा, मतलब देखने के लिए मैं गई भी थी, उनके शो शायद कुछ था, मतलब मैं छोटी सी थी तब, उस टाइम तब मेरा बहुत, मैं क्रेजी थी उस टाइम, बट वो टाइम पता नहीं था कि मैं मिका दी वोटी में जाऊंगी या होगा, मतलब करूंगी शो। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, और मैं बहुत खुश हूँ उस चीज के लिए कि मैं, मतलब जो मैं चाहती थी और मैंने वो किया, मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था। जी हाँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा जी एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत खुश हूँ इस शो को करके। रेशमा जी, मतलब क्राइटेरिया क्या है, मतलब अंदर कैसे आप लोगों को मिका जी का दिल जीतना है, वो सब क्या है, मतलब वो बताएंगे आप, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सबसे पहले आप सामने वाले को गिफ्ट जब देते हो, तो उसके चेहरे पे जो रौनक रहती है, लाइक वाह, वो मतलब चेहरा उसका, मतलब वाह कि क्या दिया है मुझे, कुछ भी, मतलब लाइक चाहे वो छोटी चीज भी क्यों ना। मैंने जब उनको नमकीन दिया, तो लाइक नमकीन उनको लाइक खट्टा मीठा नमकीन, तो मैंने कहा हमारा दिल भी वैसा ही, हमारा रिश्ता भी वैसा ही रहेगा, खट्टा मीठा, तो लाइक वो हंसने लगे कि हाँ वाह। फिर जब उन्होंने मुझे गॉगल पहनाया, लाइक तब मुझे ना बड़ा अच्छा फील हुआ कि लाइक मैं जो चाहती थी वो सच में हो रहा है ना, तो मैं बहुत अलग ही दुनिया में जा चुकी थी जब वो मुझे, मतलब चश्मा पहना रहे हैं, एंड देन मैं हग कर रही हूँ उनको, लाइक मैंने कहा कि सच है या मैं कहीं और चली गई हूँ, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो सही दुनिया में अच्छा, ही हूँ। ओहो क्या बात है, क्या मैं बात है। बहुत और एक्साइटेड परिवार थी वाले क्या फर्स्ट कहते हैं इम्प्रेशन। आपके, मेरे इज द परिवार लास्ट वाले इम्प्रेशन। तो, मेरे परिवार वालों का तो ये सीन था, वो चाहते थे जो तुम्हें करना है वो करो, हमें कोई रोक टोक, मुझे तो कोई रोक टोक वैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही अलग ही रही हूँ शुरू से, मैं बबली टाइप की रही हूँ, मैं हमेशा अपनी खुद की भी फेवरेट रही, मतलब मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, हाँ मतलब वो आपने डायलॉग भी लिया है।
आपने अब बोली है वहां पे कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। मैं हमेशा से खुद की फेवरेट हूँ, मुझे कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मैं मुझे लगता है मैं अपनी तो फेवरेट हूँ। वैसे मुझे लगता है लोग मुझे जल्दी पसंद कर लेते हैं ये तो बात तो है, फिर आपने क्वालिटी तो है आपने, ये तो है जी। तो मेरा अच्छा, तो नेचर, मिका जी के साथ, हाँ सॉरी बोलिए। मेरा नेचर ना शुरू से लाइक बबली था। मतलब मैं जब छोटी सी थी ना, तब से मेरा नेचर ऐसा था कि लोग मुझे बहुत पसंद करते थे, और आज भी मुझे काफी लोग पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ माई नेचर। और एक खूबसूरत चेहरा और स्माइल मेरी बहुत अच्छी है। काफी लोगों को मैं बबली लगती हूँ, किसी किसी को मैं मतलब करीना दिखती हूँ, तो कभी कोई सानिया मिर्जा कहता है, मतलब कोई ना कोई, कोई शहनाज गिल भी कहता है। मतलब मेरे हर कोई, मतलब हर किसी का कुछ कुछ रहता है। कि वैसे मोस्टली अभी मुझे लोग ना शहनाज गिल ज्यादा बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन है ऐसा। लेकिन मुझे भी लगता है कि है। वाह रेशमा जी, ये शूटिंग कहाँ पे हुई है? ये पूरा ये जो सेट वेट लगा था और ये पूरी जो चीजें हुई, ये कहाँ हुई है? ये जोधपुर में। जोधपुर में? वाह, और क्या कुछ हाँ जी, कंपटीशन हुआ? मतलब लाइक जैसे स्वयंवर होता था, हमने राखी का स्वयंवर एक देखा था, उस दौरान राखी टास्क करवाती थी, कुछ कुछ आप लोगों से भी ऐसा कुछ, क्या सब्जी बनाओ या रोटी बनाओ या नहीं, समथिंग, कुछ ऐसा स्पेशल बनाओ? टास्क तो सबके ही हैं। मतलब शूट के लिए जो टास्क जो सबको दिए जाते हैं पर्टिकुलर, जी कंगन का था टास्क। अब वो किसको पहनाएगा, किसको, मतलब वो एक टास्क था उनका कि ये कंगन किसके पास जाएगा। दिल का जी जो नजराना होता है वो था, मतलब जी कॉम्पीट तो हर कोई कर रहा था क्योंकि। हाँ जी, हाँ जी, जी जी क्योंकि मतलब हर कोई जीतना तो हर आप कोई शो चाहता ही करिए। था। हर कोई ये शो जीतना चाहता था कि ये कंगन मेरे हाथ में आया है। हर कोई यही चाहता था। अब जो नसीब जिसके हाथ में होगा वही होगा। अब मुझे लगता था ये मेरे हाथ में है, लेकिन मैं खुश हूं। मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मुझे ये लगता है कि मुझे ये कंगन मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने लिए बहुत कुछ हूँ। ओके, मिका जी को कैसे लगी आप? मतलब उनका फीडबैक, उनकी बिहेवियर पैटर्न कुछ बताएंगी आप? उनको मैं बहुत बबली लगी, क्यूट लगी और स्वीट लगी। उनको मैं बहुत क्यूट सी लगी, बबली, मतलब स्वीट सी है, मस्त है, मस्त माला है, खुश रहती। और मैंने उनको एक टैग दिया था, हैशटैग मिका की रेशमा, वो फेमस हो जाएगा, हैशटैग मिका हाँ, की रेशमा। तो वो मैंने वो उनको एक टैग दिया फेमस है, जो मैं चाहती है। जी जी हूँ जी वो होना चाहिए, ओके, वो वेरी होना चाहिए लाइफ। नाइस। ओके रेशमा जी, हम आप जब हग कर रही थी उन्हें, तो काफी लड़कियां जो ऑन स्क्रीन देख रही थी उनको जलन हो रही थी। वो कह रही थी, यार बहुत ये ज्यादा। कैसे कर लिया इसने आते, क्या हाँ, कहना ये चाहोगे? एकदम इसने हब कर दिया। मतलब मुझे जलाने वालों को जलाना बहुत अच्छा आता है। मुझे मुझे जलाने में बहुत मजा आता है वैसे। और मुझे लगता है जिसको जलना है जी जलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपना कर रही हूँ ना, अपना गिव देना चाहिए, अपना इनपुट लगाना चाहिए। जो लगता है, मुझे लगता है जो जल रहा है जलाते रहो। मुझे जलाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और वैसे भी मुझे लोगों को तंग ओके okay. करना, मुझसे कोई जल रहा है तो जले, मुझे बड़ा मजा आता है। और मुझे, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा लाइक रही हूँ हमेशा। जाना जी जी जी, बोलिए 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 आप ना, बोलिए। क्या कह रही थी आप? मैं कह मैं, रहा था मतलब मैं मिका जी शुरू, ने आपकी तारीफ में कि, मिका जी ने, हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप मैं बोलिए, जब आप कुछ कह बोलती रही हूँ ना तो सामने वाला बेचारा सोचता है कि यार ये अब बोलेगी तो मुझे चुप रहना पड़ेगा। सामने वाले को मैं तपा मारती एक्चुअली हूँ, यू नो, एक्चुअल में ये सच है। मैं बहुत परेशान करने वालों में से भी। और ओके मेरा नेचर मिका ऐसा जी, जी, आपका नेचर कैसा है, मैं आपको भी तपा रही हूँ है? अच्छा सुनिए ना, मिका जी ने आपकी तारीफ में कुछ गाना वाना सुनाया कि नहीं सुनाया? गाना तो नहीं, मैंने उनको एक शायरी दी थी, मैंने उनको एक शायरी दी थी और वो बहुत अच्छी लगी उनको। वो बहुत मजा आया उनको ये सुन के कि मैंने वो शायरी दी। लाइक उनका भी दिल लाइक शांति भी खुश हुए, मतलब
मतलब दोनों बहुत खुश हुए, वो शायरी वेरी बहुत अच्छी थी। नाइस। हैशटैग तेजरन बहुत चल रहा है, तेजस्वी और करण, ये और तो सोशल मैंने, मीडिया पे हम देखते हैं कि अक्सर जो मतलब, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगी तेजरन के बारे में? ये हैशटैग मैंने इसलिए दिया क्योंकि लाइक मुझे ये नाम ना बहुत अच्छा लग रहा था, कि मैंने मैंने अचानक से सोचा कि ये हैशटैग मिका की रेशमा होना चाहिए। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे मेरा पता है कि हैशटैग मिका की रेशमा ही होना चाहिए, क्योंकि ये नाम लाइक बहुत डिफरेंट है। लाइक काफी लोग इतना जल्दी जज नहीं कर पाते कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नाम बनाना चाहिए। लाइक थोड़ा दिमाग में लगाना भी लाइक बहुत मुश्किल रहता है, बट जब मेरे दिमाग में एकदम आया ये थॉट और मैंने ये डाल दिया, और मैंने ये बना के उसी टाइम इंस्टेंटली मतलब जी, रिसेंटली देखा था, रियलिटी शोज की भरमार आ गई है। एक बहुत बड़ा रियलिटी शो आया था लॉकअप, अगर आपने देखा होगा तो, लॉकअप भी बहुत चला था, हाँ, लॉकअप की उसमें बात भी तो एक मैंने, हैशटैग था मुनव्वर और अंजलि का। क्या कहेंगी उस बारे में, अच्छा लॉकअप के बारे में क्या कहेंगी और मुनव्वर फारूकी के बारे में क्या कहेंगी? मैंने ना लॉकअप का मैंने सुना जरूर है, लॉकअप में मतलब लॉक करके रखते हैं आई थिंक, तो मतलब ऐसा ही कुछ है ना, बट मुझे उसका पूरा क्राइटेरिया नहीं पता है क्या नहीं है, बट मैंने सुना है, बट मैंने देखा नहीं है वो अभी शो वगैरह, बट मैंने बस इतना ही सुना उसके बारे में, मुझे उसके बारे में तो कभी आइडिया जाना नहीं है। चाहेंगी आप? कभी जाना चाहेंगी लॉकअप के अंदर? लॉकअप में नहीं ऐसा क्यों? मैं बिग बॉस में, मैं ना खुली वो हूँ ना, मतलब खुली तिजोरी वाले नहीं होती करीना कपूर, मैं वो हूँ, तो मैं बंद जी बंद नहीं रह सकती, मुझे लॉक मत करो इतनी जल्दी, मैं चाहती हूँ मुझे उड़ने दो, ओहो मुझे उड़ने दो, तो ओहो, क्या मैं नहीं बात चाहती लॉक है। लॉक नहीं रहना अच्छा चाहती, अगर मुझे अच्छा लॉक कर दोगे तो मैं मुनव्वर समझ जाऊंगी। फारूकी का नाम सुना है आपने? जी हाँ जी 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 मुनव्वर फारूकी का नाम सुना है आपने? जी, हाँ जी हाँ जी सुन उन्होंने उन्होंने शो किया था लॉकअप। और अगर जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो भी आपकी तरह एक रियलिटी शो के ही कंटेंडर बनकर उभरे हैं और आज इतने फेमस हैं। मैं मतलब अच्छी है वो भी, सही है, जो भी इंसान, हर कोई अपने हिसाब से अच्छा है अपने लिए, हर कोई मतलब जो भी कर रहा है, हर कोई अपने शो के लिए, या हर कोई अपने कुछ ना कुछ पाना चाहता है खुद के लिए, मतलब अच्छी है वो भी, मतलब डिसेंट है, मतलब अच्छी है, स्वीट है, क्यूट भी है, अच्छी भी है। ओके अब मैं ज्यादा दूसरों की तारीफ करूंगी तो मैं मेरी तारीफ कब करूंगी, ओके रेशमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपकी वॉइस फॉर जा योर चुकी है। इंटरव्यू। रेशमा हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? आपकी वॉइस नहीं आ बिल्कुल भी रही, नहीं आ रही। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोला आपने, लेकिन हाँ थैंक यू सो मच। वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी मैं क्या बोलूं, अभी वॉइस अचानक से कट गई क्या? अब आ रही है? हेलो एक मिनट बोलना आप कुछ, हेलो मेरी हेलो वॉइस आ हेलो रही है हेलो। हाँ बट आपकी नहीं आ रही है। ओके ठीक है रेखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम थैंक बात यू सो करते मच, रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक नेक्स्ट में बात करेंगे, यही यू बोल रहे हैं आप। जी। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। बाय, नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, सिया। सेम है।